हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू योर चैनल करियर जोन बेगूसराय। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैबिनेट मंत्री के बारे में। 2023 में कौन कौन कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, आपको टोटल इसमें कैबिनेट मंत्री की जानकारी दिए जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस या फिर आगामी आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा टीचर के लिए इम्पोर्टेंट तो है। देखिए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी आपको पता ही है, वो हमारे देश के अभी प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। नरेंद्र मोदी क्या है? प्रधानमंत्री जी है। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। पूछेगा रक्षा मंत्री कौन है हमारे देश के? तो राजनाथ सिंह, ठीक है। अगला पूछ सकता अमित शाह। अमित शाह जो है कौन है? तो गृह मंत्री। सबसे पहले गृह मंत्री तो आपको पता ही है, उसके अलावा सहकारिता मंत्री भी यही है, अमित शाह। पूछेगा सहकारिता मंत्री अभी कौन है वर्तमान में? तो अमित शाह दीजिएगा, अमित शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी क्या है? देखिए, सड़क परिवहन मंत्री पूछेगा कौन है, तो नितिन गडकरी ये तो आपको पता है। इसके अलावा राजमार्ग मंत्री पूछेगा कौन है, तो नितिन गडकरी ही दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि वित्त मंत्री अभी कौन है वर्तमान में? वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण दीजिएगा, ठीक है। वित्त मंत्री बताइए कौन है? तो निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट कॉरपोरेट मामलों की मंत्री पूछ सकता है, तो वो भी निर्मला सीतारमण ही होंगे, ठीक है। कॉरपोरेट मामलों की मंत्री तो वो भी निर्मला सीतारमण ही। नेक्स्ट पूछ सकता है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कौन है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर दीजिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज्यादा आप ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट है विदेश मंत्री कौन है? तो ये आपको पता ही है, एस जयशंकर जो है वो विदेश मंत्री है। नेक्स्ट है जनजातीय मामलों के मंत्री पूछ सकता है, तो अर्जुन मुंडा दीजिएगा। कौन है? अर्जुन मुंडा जो है जनजातीय मामलों के मंत्री है। जनजातीय मामलों के मंत्री पूछेगा तो अर्जुन मुंडा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री तो स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी। या इस ये जो है अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय भी है, ठीक है। अति प्रभार, अति प्रभार है अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के अति प्रभार, ठीक है। नेक्स्ट पूछ सकता है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अलावा ये और क्या है? तो उपभोक्ता मामले, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, ये सभी इन्हीं के ऊपर जिम्मेवारी है। कौन है? पीयूष गोयल, पीयूष गोयल। नेक्स्ट पूछ सकता है कि शिक्षा, शिक्षा मंत्री कौन है अभी देश के? धर्मेंद्र प्रधान। ये तो पता ही आपको, धर्मेंद्र प्रधान जो बदले हैं पहले, इससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि धर्मेंद्र प्रधान से पहले कौन थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भी यही है, धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है। नेक्स्ट पूछ सकता है कि संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी। संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी। या कोयला मंत्री भी पूछ सकता है, या खनन मंत्री, तीनों जो है यही है, प्रहलाद जोशी, ठीक है। अगला है दोस्तों सूक्ष्म, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, ठीक है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो नारायण राणे, नारायण राणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जहाज रानी, जहाज रानी जलमार्ग एवं आयुष मंत्री। जहाज रानी जलमार्ग एवं आयुष मंत्री कौन है? तो सर्वानंद सोनेवाल, सर्वानंद सोनेवाल, सर्वानंद सोनेवाल, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। यदि देखिए आप बीपीएससी टीचर या फिर आप बीपीएससी या दरोगा का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये सभी मंत्री याद करना पड़ेगा। इसके अलावा आप जो है यदि बिहार पुलिस कर रहे हैं, तो फिर आपको स्टार्टिंग का कम से कम 6-7 जरूर याद कर लीजिए, आपके एग्जाम से फिक्स है कि वही पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आइए देखते हैं, पूछ सकता है कि गिरिराज सिंह का नाम तो सुने ही है, जो अभी कहाँ के सांसद हैं, ठीक है। गिरिराज सिंह बताना आप लोग को कमेंट बॉक्स में कि गिरिराज सिंह अभी वर्तमान में कहाँ के सांसद हैं, ठीक है, बताइए। ये क्या है? तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री पूछेगा अभी कौन है वर्तमान में, तो गिरिराज सिंह दीजिएगा, गिरिराज सिंह। बताना है आपको एक क्वेश्चन का और आंसर कि गिरिराज सिंह इससे पहले क्या थे, ठीक है, कौन से कैबिनेट के मंत्री थे गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है क्या है? तो नागरिक उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री।
या नेक्स्ट जो है इनको मिला है इस्पात मंत्रालय के अति प्रभार के रूप में। ठीक है, इस्पात मंत्रालय का अति प्रभार पूछेगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया दीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट है रेल, रेल मंत्री पूछेगा तो अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, या इसके अलावा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पूछेगा तो वो भी अश्विनी वैष्णव ही दीजिएगा। अश्विनी वैष्णव जो है वो रेल मंत्री के अलावे संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी है। ठीक है, ये जरूर याद कर लीजिएगा यदि आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री पशुपति पारस है। कौन है? खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री पशुपति पारस, पशुपति पारस। ठीक है, नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत क्या है? तो जल शक्ति मंत्री। ये आपको बार बार ध्यान से देखते रहना होगा तभी जा करके याद होगा। ठीक है, कानून एवं न्याय मंत्री, कानून एवं न्याय मंत्री पूछेगा कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल क्या है? तो कानून एवं न्याय मंत्री, कानून एवं न्याय मंत्री वर्तमान में कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल। दो तीन बार सुनिएगा ध्यान से तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो वो हो जाएंगे राजकुमार सिंह, राजकुमार सिंह हो जाएंगे क्या? तो विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। ओके, अगला है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री पूछेगा। पेट्रोलियम देख रहे हैं कितना पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ। ठीक है, पेट्रोलियम है ये, पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट स्वास्थ्य मंत्री, बहुत ज्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री, या उसके अलावा ये रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी, उर्वरक मंत्री पूछेगा कौन? तो मनसुख मंडाविया दीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय किनके हाथों में? किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय। नेक्स्ट है भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र पर्यावरण मंत्री कौन? तो भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट श्रम पूछेगा तो वो भी भूपेंद्र यादव, या इसके अलावा वन एवं जलवायु पूछेगा कौन है? तो वो भी दीजिएगा भूपेंद्र यादव ही। भूपेंद्र यादव के बारे में ध्यान से देख लीजिए क्या क्या है। देखिए भूपेंद्र यादव क्या क्या है? तो पर्यावरण, श्रम, वन एवं जलवायु मंत्री। देखिए फिर से ध्यान पूर्वक, पर्यावरण, श्रम, वन एवं जलवायु मंत्री पूछेगा कौन है? तो भूपेंद्र यादव दीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्योग मंत्री पूछेगा तो दीजिएगा महेंद्रनाथ पांडे, महेंद्रनाथ पांडे क्या है? तो भारी उद्योग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन है? तो महेंद्रनाथ पांडे। ठीक है, ये सभी तो आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि देखिए अभी आगामी एग्जाम में सब ज्यादा क्वेश्चन यदि रहता है कुछ से तो करेंट से रहता है। ठीक है, करेंट से जो रहता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो आपको ये सभी याद। आगे यदि आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय छोड़ सकते हैं, इस तरह का वीडियो जारी करते रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो क्रिकेट से संबंधित वीडियो आने वाला दोस्तों, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखते रहिए सुनते रहिए ताकि याद हो सके। ठीक है, देखिए डेयरी, डेयरी डेयरी मंत्री पूछेगा या फिर पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री पूछता है तो क्या दीजिएगा? पुरुषोत्तम रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला क्या क्या है? तो डेयरी मंत्री, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री, ये सभी जो है पुरुषोत्तम रूपाला। अगला है संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री पूछेगा, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुराग सिंह ठाकुर, अनुराग सिंह ठाकुर क्या है? तो सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री। देखिए खेल मंत्री डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुराग सिंह ठाकुर। तो यदि दोस्तों यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।